नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है ये एक ऐसी गेम के बारे में जो कि भाई मेरा एक तरीके का सपना था कि ये गेम मैं खेलूंगा। इसकी नई गेमिंग सीरीज मैं शुरू करने वाला था। इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत, इतना लंबा गेम है ये कि मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ कि मैं इसका गेम प्ले करूँ या फिर सिर्फ यानी गेम प्ले वीडियोज डालूँ या लाइव स्ट्रीम करूँ। पर आज का जो वीडियो है इस गेम की स्टार्टिंग के बारे में, क्योंकि फिर अगर आपको स्टार्टिंग ही नहीं पता होगी कि स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, ये गेम क्यों बना है, गेम में आगे क्या होने वाला है, उसका जब आइडिया ही नहीं होगा तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो गेम हम लोग लेके आए हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2, उसकी स्टोरी कहाँ से शुरुआत हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग है यहाँ पे, स्टोरी है, ताकि एक बार आइडिया मिल जाए तो नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे या वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। चलिए शुरू करते हैं कि क्या स्टोरी है इस गेम की। जैसा कि आपने देखा पिछले स्क्रीन पे कि रॉकस्टार गेम्स ने ये गेम बनाई है, और बात करेंगे हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 की, RDR 2 की, तो ये गेम सेट की गई 1899 में वाइल्ड वेस्ट, अमेरिकन फ्रंटायर इसका पूरा सेटअप है। साउथ वेस्ट जो पार्ट है अमेरिका का, वो उस समय की बात है। और स्टोरी की शुरुआत होती है उस समय से जब जो आउटलोज होते हैं, जो आउटलोज और गनस्लिंगर्स होते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो भाई गन रखते हैं और जिनके नाम पुलिस हमेशा पकड़ने के लिए उनके रहती है, नियम तोड़ते रहते हैं, ऐसे लोगों का जो ग्रुप होता है वो ख़त्म होने के करीब आ चुका है। और स्टोरी की शुरुआत एग्जैक्ट उसी टाइम से होती है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं डच, ये उनका गैंग है आउटलो नाम का, और उसी गैंग का हिस्सा है आर्थर, आर्थर मॉर्गन, जिनका नाम है हमारा मेन कैरेक्टर, और उसी के आसपास ही स्टोरी बनती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को एक जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये ग्रुप है जो, ये हमारा गैंग है, ये ग्रुप छोड़ एक जगह छोड़ के जा रहा है अपनी जगह, वहाँ पर इनका पूरा सामान, सारी चोरी डकैती का सामान, सारा पैसा सब पीछे रह गया है। समय बदल रहा है, इन लोगों का समय पूरा हो रहा है। अगर इतिहास की बात देखें तो 1899 की ये स्टोरी है, और 1912 में ये गैंग, इस तरह का गैंग पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक जगह पे थोड़ा सा रहने की जगह मिलती है। हमारे लोग भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, मौसम ख़राब है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। किसी तरह से एक जगह मिलती है, शेल्टर मिलता है लोगों को रहने को, और वहाँ पर हमारा ग्रुप पूरा इकट्ठा होता है। अगर बात करें यहाँ से कहानी के आगे बढ़ने की, तो ये कहानी है इस एरिया में अपने गैंग को बचाने की, मतलब सर्वाइवल की और मजबूत बनने की। यहाँ पर हम लोग इस गेम में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे ऑलरेडी हमारे साथी लोग मर रहे हैं, कुछ पीछे छूट गए हैं, कम होती जा रही है संख्या, इस गैंग को वापस से जिंदा करना होगा। तो ये इस तरीके का इस गेम का मिशन रहता है शुरुआती दौर से ही। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑलरेडी हमने एक अपने मेंबर को खो दिया होता है, हमारे पास खाने की सुविधा नहीं होती, रहने के लिए बहुत मुश्किल से घर मिला है, ऑलरेडी ठंडे मौसम के कारण लोग की हालत ख़राब है। तो जो हमारे लीडर हैं डच, वो सबको पहले बोलते हैं कि आप लोगों को यहाँ रहना है थोड़ी देर के लिए, यहाँ और नज़र रखनी होगी कोई हमारा पीछा पीछा तो नहीं करना। लेकिन जब कन्फर्म करते हैं कि लोग भाई इतना ख़राब मौसम है यहाँ पर, किसी का पीछा करना ही बहुत मुश्किल है, तो फिर डच थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स हो जाता है, अपने अपने जो मेम्बर्स हैं उनको, क्योंकि परिवार मानता है उनको, तो वो बताता है उनको कि हम यहाँ थोड़े दिन हमारे खराब रहे हैं दिन, हम सब लोग कम हो रहे हैं, और यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारे साथी कुछ छूट गए, पीछे रह गए, मर गए, उन्हीं के बारे में बातचीत चल रही है। ये स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे हमारे गेम का। कुछ लोगों के बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर अभी के लिए इनका मेन मकसद ये होता है कि जितने मेंबर हैं उन्हीं से शुरुआत करनी है, उन्हीं को आगे ले जाना है, उन्हीं को बचा के रखना है यहाँ पे। और साथ ही साथ डच ये भी कहता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और ये है आर्थर जो आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पर वो समझाते हैं कि हम लोगों का पहला काम है आप लोगों के लिए खाना लाना, जो आदमी लोग हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं, जो यंग हैं, यहाँ पर उनका काम है खाना लाना बाकी लोगों के लिए। तो शुरुआत जो पहले चैप्टर की होती है वो इसी तरफ से होती है। इन लोगों ने अपने मेंबर्स को लाके यहाँ सेट कर दिया है, बाकी लोग जाएंगे बाहर की तरफ सर्च करने के लिए कि क्या है हालात। साथ ही साथ इस वीडियो को दिखाने का ये भी मेरा मकसद था, स्टोरी के साथ साथ इस गेम का ग्राफिक दिखाना आपको। डच जो है लीडर, वो आदेश देता है कि आप लोग यहाँ पे कैंप बनाइए, हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं कुछ दिनों तक। अपने आप को गर्म करिए इस ठंडे मौसम में, क्योंकि क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रहे हैं, बच्चे भी हैं साथ में, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आप लोग सेफ रहिए और मजबूत बनिए यहाँ पे। और डिसाइड करते हैं ये लोग, आर्थर जो कि हमारा कैरेक्टर है, वो और डच जो है यहाँ पे निकलते हैं बाहर की तरफ तलाश में, और यहीं से हमारी यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ेगी।
आगे क्या होगा कैसे होगा, वो आने वाले वीडियोस आने वाले लाइव स्ट्रीम में शायद मालूम पड़े। आप लोग जरूर कमेंट करना कि इसकी वीडियो करनी चाहिए या लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, क्योंकि वीडियो करेंगे तो बहुत लंबी हो सकती है शायद लाइव स्ट्रीम में। वीडियो में हो सकता है मैं छोटे मोटे जो मेन सीन्स हैं वो कलेक्ट करके एक अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप लोग सजेस्ट करेंगे अभी के लिए। लेकिन यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत हो रही है, सर्च में जा रहे हैं आगे क्या होगा कैसा होगा पता लगेगा आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल पे देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।